गाइस आज बहुत ही इंटरेस्टिंग डे होने वाला है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे गैरेज में मेरे एक सब्सक्राइबर आ रहे हैं अपनी गाड़ी लेके। तो उनके पास भी ये सेम गाड़ी है मेरी वाली, होंडा सिटी 2009 मॉडल, और उनका होंडा कंपनी में बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है, तो उनसे आज बात करेंगे। बट सबसे पहले चलते हैं जो नंबर प्लेट ढकने के लिए मुझे अपनी नेम प्लेट्स बनवानी थी ना, सबसे पहले वहाँ चलते हैं, वो बनवाते हैं, उसके बाद गैरेज चलेंगे। फाइनली गेटिंग द प्लेट्स मेड। एक्चुअली मुझे दो टाइप की चाहिए थी, तो दूसरी वाली शाम को मिलेगी, बट ये मुझे अभी चाहिए थी तो इसलिए थोड़ी जल्दी में ये वाली रेडी करवा रहा हूँ। लेट्स सी कैसी आती है। ओके पीपल, दो प्लेट्स रेडी हो गई हैं एज यू कैन सी। अब नंबर प्लेट पर न्यूज़पेपर नहीं लगाना पड़ेगा, तो बाकी की शाम को मिल जाएंगी। ये दो मुझे अभी अर्जेंटली चाहिए थी तो ये मैंने अभी रेडी करवा ली। तो अब चलते हैं सीधा गैरेज, जो हमारे सब्सक्राइबर आए हैं उनका नाम है कुणाल, उनसे जाके बात करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं फाइनली गैरेज पहुँच गया हूँ, जो प्लेट्स हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दी, बन गई हैं। मेरे साथ हैं कुणाल भैया। सो ही इज़ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर एंड ही इज़ द फर्स्ट वन जो कि मेरे YouTube वीडियो देख के गैरेज पे काम करवाने आए हैं। और इनके पास एज आई टोल्ड यू सेम होंडा सिटी है, मेरे वाला मॉडल 2009। और इनका एक्सपीरियंस, जैसे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ना कि जब गाड़ी ठुकती है तो गाड़ी आपके गैरेज में क्यों रीबिल्ड हो रही है, जब इंश्योरेंस पे कर रही है, लोग कंपनी से क्यों नहीं ठीक करवा रहे। तो लाइव एग्जाम्पल कुणाल भैया आपको बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस होंडा में कैसे था। सो कुणाल भैया कुछ एक छोटा सा बताओ, उसके बाद हम गाड़ी दिखाते हैं। सो नकुल, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आई गॉट इन टच विथ यू ऑन इंस्टाग्राम, आपने मेरे को इस गैरेज के बारे में बताया। तो मेरी कार बेसिकली सेम मॉडल है, हाँ जी, योर्स, इट्स अ 2009 होंडा सिटी IVTEC। अनफॉर्चुनेटली एक साल पहले ये कार रियर एंड हुई थी, किसी ने मारा था मूविंग कार पे। तो गाड़ी ने तो मेरे को बचाया, लाइक आई वाज वेरी थैंकफुल कि मुझे कुछ नहीं हुआ। डैमेज अच्छा लिया, क्रम्पल जोन उसका क्रैश हुआ था और मेरी कार में इंश्योरेंस था, सो आई वेंट टू होंडा ऑब्वियसली जैसे जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलने में बहुत बुरा लग रहा है, बट माय एक्सपीरियंस वाज हॉरिबल, मतलब मैं और कोई शब्द यूज़ भी नहीं कर सकता। दे रिपेयर्ड माय कार इन सच अ शॉडी वे कि एक साल बाद ये कार मुझे वापस प्रॉब्लम देने लगी। इनफैक्ट रिपेयर से भी पहले बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, इंश्योरेंस क्लेम करवाने में, सर्वेयर को आने में, पास करने में, द होल एक्सपीरियंस वॉज लाइक टॉर्चर। इट टुक मी 3 to 4 months टू गेट माई कार बैक। फेब्रवरी में गाड़ी ठुकी थी मेरे को, अराउंड मई में मिली थी गाड़ी वापस। तो मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट हैपेंड बेसिकली। सो गाइस, एज यू जस्ट हर्ड कि भैया का एक्सपीरियंस कैसा था, अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये गाड़ी होंडा से रिपेयर्ड है और उन्होंने क्या क्या चीज़ें इग्नोर कर दी, निगलेक्ट कर दी, वो आपको एक बार दिखाता हूँ। सो गाइस, ये गाड़ी है और ये इस साइड से पूरी ठुकी थी, पूरी यहाँ से अंदर हो गई थी और राइट साइड से। और इसमें आपको मैं काम की क्वालिटी दिखाता हूँ, ये देखो पूरी रस्टिंग आ रही है, यहाँ पे पेंट तक नहीं किया गया है ठीक से। बाकी आपको कुणाल भैया दिखाएंगे। सो बेसिकली मेरी कार जैसे अभी नकुल भैया ने कहा, इट वाज हिट फ्रॉम द राइट साइड, रियर एंड हुई थी। होंडा वालों ने वहाँ का पूरा पार्ट चेंज करा था, बम्पर चेंज किया था, ये ट्रंक चेंज किया था। ओके, एंड बाहर से ना गाड़ी बस बना के दिखा दी मेरे को। ऑब्वियसली तब मैं इतना मेंटल टॉर्चर के थ्रू गया था कि मेरे को बस गाड़ी वापस चाहिए थी। ठीक। वो सर्विस सेंटर और शोरूम भी बंद हो गया था और वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, आई हैड टू फाइट एंड गेट माय कार बैक। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स मुझे ये दिखता है, ये देखिए ये पार्ट जो उन्होंने सपोजिटली रिपेयर करा है, यहाँ पे आप रस्टिंग देखिए, दिस इज इन 1 year आफ्टर द डैमेज। देन दिस होल लाइनिंग, एवरीथिंग बिलो माय विंडो इज रस्टेड, ये आपको भी दिख नहीं रहा होगा, ये पूरी लाइन रस्टिंग की चल रही है। देन द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज पूरा फ्लोर पैन रस्ट से खा चुका है, इवन दो दिस इज अ रिपेयर्ड फ्लोर पैन, इट्स सपोज टू बी डन वेल। सो गाइस, यू कैन सी पूरी रस्टिंग है और यहाँ पे ये देखो भैया ने खुद एम सील लगाई हुई है बिकॉज यहाँ से वाटर लीकेज हो रही थी। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, मेरा एयर फिल्टर पूरा लीक हो रहा है, ऐसा लगता है अगर बारिश होती है तो पानी बिल्कुल नॉर्मल शावर की तरह आता है। दिस पार्ट हैज बीन कम्प्लीटली कवर्ड विद एम सील जो मैंने खुद करा है, दिस होल पार्ट ओवर हियर। दिस पार्ट हैज बीन वेल्डेड सो बैडली, ऐसा लग रहा है किसी ने
दो मेटल के गत्ते बस वेल्ड करे और यहाँ पे मैंने एमसील लगाया पूरा. दिस होल थिंग आई हैव टू सेव द कार लिटरली, क्योंकि मेरी कार गल रही थी मॉनसून में. प्लस गाइस यहाँ पे देखो ये जॉइंट प्रॉपर्ली इन्होंने ना बिठाया है ना वेल्ड, और आप रस्टिंग अंदर देख सकते हो. और यही सेम इस एरिया में भी है. इट्स एग्जैक्टली द सेम ओवर हियर. द जॉइंट्स हैव नॉट बीन डन. यहाँ पे बस टाके मारे लिटरली, उसको बिठाया भी नहीं है मेटल को. वो पूरा पार्ट रस्टेड है वहाँ पे. वहाँ पे फिर से मैंने एमसील लगाई. वो जो दो डॉट्स है वो पॉपर की क्लिप्स है. ये पार्ट आप देखिए ना, ये दिस होल पार्ट आई पुट एमसील ऑन इट. आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड. एंड ये क्या है, मतलब उन्होंने इंश्योरेंस से पैसे लिए थे, दे रिपेयर्ड इट, दैट्स फाइन. बट गाइस ये जो पिलर है इसका, फ्रेम का पिलर, ये ऑब्वियसली जब गाड़ी ठुकी थी तो बेंड हो गया था. तो असली में इसको अगर ढंग से रिपेयर करना हो तो यहाँ से कटता है और नया पिलर यहाँ पे वेल्ड होना चाहिए था. बट उन्होंने उसी को किसी तरह ठोक पीट के थोड़ा सीधा किया और अब अभी भी इसमें बेंड देख सकते हैं. उन्होंने इसको चेंज ही नहीं किया बेसिकली, इसी को ही किसी तरह रिपेयर करके. और यहाँ पे आप हालत देखिए क्या कर रखी है, पूरा सीलेंट वीलेंट भर भर के. लेकिन ये चीज़ आप अभी भी देख सकते हैं कितनी टेढ़ी मेढ़ी है. एंड ये जो चीज़ है अभी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये वैसे लग तो हम रस्ट है बट एवरी थिंग अंडर दिस इज रस्टेड. पपड़ी ये देखिए, हाँ इसके नीचे पूरा ये रस्ट है. The whole thing is copy. And the last thing is, जो मेरे को recently पता चला, this is the most unfortunate. यहाँ पे नजर नहीं जाती, जो मेरा under pan है, silencer का ये area पूरा rust हो गया है. This can be seen. So now basically, after watching the videos, I'm here. Plus guys, यहाँ पे भी arrogance ही, paint ढंग से नहीं हुआ हुआ है. आप देख सकते हो यहाँ पे paint बहुत कम है. नीचे से primer दिख रहा है पूरा. This part has also not been painted. कुछ किया ही नहीं है. वहाँ पे भी देखो अंदर पेंट नहीं है. बिकॉज ये पैनल आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, जब नया पैनल लगता है उसको लगाने से पहले अंदर से पेंट किया जाता है फिर वो लगाया जाता है. बट इसमें आप अंदर देख सकते हो पेंटेड नहीं है. This is the quality of work. ये देखो यहाँ पे ये पूरा इसमें बबल आ रहे हैं बेसिकली. आई डोंट नो धूप में आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बट इसमें पूरे बबल आ रहे हैं. एंड दिस पेंट हैज स्टार्टेड चिपिंग ऑन इट्स ओन. दिस इज नॉट बीन हिट, क्योंकि दिस इज ओनली चिप्ड ऑफ फ्रॉम द सरफेस. सारे ऑरेंज फील इफेक्ट है, इवन दो इट्स अ न्यू पैनल. लाइक आई वाज सरप्राइज्ड कि ये क्या हो रहा है यार, इतना कैसे काम कर सकते हैं आप. और जो आप कह रहे थे कि होंडा में खड़े खड़े कहाँ कहाँ गाड़ी लगी, वो भी बताओ. ये देखिए सर्विस सेंटर में कार खड़ी होती है. माई कार इज 11 ईयर्स ओल्ड. अब दूसरा वाला मिरर देखना, आई हैव ड्रिवन इट विद सो मच लव. ये पूरा ये मतलब होंडा में खड़े खड़े हुए है. हाँ, 3 महीने गाड़ी खड़ी थी. कहते सर ये तो इतना हल्का फुल्का हो जाता है, ऐसे हल्का फुल्का कैसे, ये भी लगी है. सो गाइस पहली बात तो कोई गाड़ी अगर रिपेयर होने आती है तो 3 महीने खड़े करने का कोई मतलब नहीं बनता. 3 महीने गाड़ी खड़ी थी और ये सारे होंडा में लगे हैं स्क्रैचेस. ये यहाँ पे इधर का सही है, ये ऐसे था भैया ने जब दिया था और उधर का आपने देखा. प्लस इन्होंने मेरे को बताया इनके ये भी गायब थे जब ये गाड़ी लेने गए. तो इन्होंने जब कंप्लेंट की फ़ोटोज़ दिखाई कि मेरी गाड़ी में लगे हुए थे, तो उन्होंने किसी और की होंडा आईवीटेक से निकाल के इनकी गाड़ी में लगा दिए. एंड बिकॉज ऑफ लीविंग दिस पार्ट ओपन, क्योंकि ये 2-3 महीने पूरे मॉनसून में ऐसे खड़ी थी. यहाँ पे भी रस्ट हो गया, जहाँ पे रस्ट नहीं होना चाहिए वो एरिया भी रस्ट होना शुरू हो गया. एंड आई हैव टू गेट दिस पार्ट आल्सो फिक्स्ड. बिल्कुल बिल्कुल. सो फिलहाल गाइज ये गाड़ी जो आई है इसमें पूरा जो रस्टिंग प्रॉब्लम है पीछे आपने देखा, ये उसके लिए आई है. वो हम इसका फिक्स करेंगे. पूरी गाड़ी एक बार रीपेंट होगी बिकॉज भैया को थोड़ा ये गाड़ी बिल्कुल स्पॉटलेस होनी चाहिए. तो पूरी गाड़ी रीपेंट होगी और सस्पेंशन में हल्की फुल्की सी आवाज़ थी तो लिंक रॉड चेंज कर दी है. तो एक बार चला के देखेंगे, अगर उसमें और कोई प्रॉब्लम मिलेगी तो वो भी सही करेंगे. प्लस इसमें यहाँ पे भी पूरी रस्टिंग हो रही है. आप देख रहे हो कितनी मिट्टी है. इस पार्ट को जब जोड़ा था वापस, हाँ, अच्छे से भी नहीं जोड़ा. ये नया भी नहीं लगाया, जो एक्सीडेंट में डैमेज हुआ था उसी पार्ट को वापस लगा था. यहाँ से बार बार उठता था. बिल्कुल, there was mud and all. You can see यहाँ तक प्रॉपर था. दिस इज फाइन टिल हियर. बिल्कुल. Here it has cracked because it was obviously hit from this angle. तो यार इतना पार्ट नया करने में क्या प्रॉब्लम था. आई कुड हैव पेड फॉर इट फ्रॉम माई ओन पॉकेट. बिल्कुल बिल्कुल. एनीवे मेरी इंश्योरेंस जीरो डेप नहीं थी. सो गाइस आपने खुद सुना, ये मेरा YouTube चैनल देख के, मेरी वीडियो देख के खुद आए. इनका मेरे को इंस्टा पे मैसेज आया एंड देन वी कनेक्टेड एंड फाइनली आज का प्लान बना के गाड़ी लेके आ रहे हैं. स्पेशल दिल्ली से आए हैं
अलकनंदा, यू सेड अलकनंदा, वेरी फार, 33 किलोमीटर दूर से आए हैं गाड़ी का काम करवाने। एंड यू आर लाइक कि होंडा में मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा था और कोई ट्रस्ट वर्दी वर्कशॉप मिलना इट्स रियली डिफिकल्ट इन दिल्ली NCR, बट ही सॉ माई वीडियोज एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम थैंकफुल दैट ही ट्रस्टेड आर वर्कशॉप। तो अब यहाँ पे आए हैं, इनकी गाड़ी का काम होगा। तो फिलहाल इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन। बाकी ये जो गाड़ी पूरी तैयार होगी, रीपेंट होगी, इसकी वीडियो आपको अलग से मिलेगी। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर, पीस आउट।